जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 5 के श्लोक नंबर 10, 11, 12, 13, 14 पर चर्चा करेंगे। ब्राह्मण दाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मापात्रमेव अंशः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग की महत्ता बताते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सभी कर्म को ब्रह्म यानी परमात्मा को अर्पित करके करता है और जो काम करते समय किसी प्रकार का मोह या इच्छा नहीं रखता, वह पाप से अछूता रहता है। जैसे कि जल में रहने के बावजूद कमल का पत्ता पानी में नहीं भीगता। अर्थात जीवन में कार्य तो करना ही होगा, लेकिन उसे कैसे करना है यह महत्वपूर्ण है। अगर हम हर कार्य को इस भावना से करें कि यह भगवान की सेवा है और इसके फल की चिंता न करें, तो हमारे ऊपर कोई पाप या गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करके करता है तो वह पाप से अछूता रहता है। इस श्लोक की सीख, अपने कर्तव्यों को पूरे मन से निभाओ लेकिन उनके फल से खुद को मत जोड़ो। ऐसा करने से हम दुनिया की परेशानियों से ऊपर उठकर जी सकते हैं। कायन मनसा बुद्धा केवल ये इंद्रिय अपि योगिन कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा तमा शुद्धे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि योगी लोग अपने शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों का उपयोग करते हुए सभी कर्म करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की इच्छा को त्याग कर वे ये सभी कार्य केवल आत्मशुद्धि के लिए करते हैं, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ या सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अर्थात कर्म सिर्फ शरीर से नहीं होता, बल्कि हमारे मन बुद्धि और इंद्रियाँ भी कर्म में शामिल होती हैं। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा मन और उस काम में होना चाहिए, बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए और इंद्रियों का सही उपयोग करना चाहिए। लेकिन असली बात यह है कि कर्म करते हुए इच्छा से मुक्त रहना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, हर कर्म को साधना की तरह किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे हम पढ़ाई या कोई दूसरा काम करते तो हमें यह सोचकर मेहनत करनी चाहिए कि इससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा और हम एक बेहतर व्यक्ति बनेंगे। अगर हम फल की चिंता किए बिना सही दिशा में काम करेंगे तो सफलता खुद ब खुद मिलेगी। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिम अपनोति नेष्टि किम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निपद्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म के दो प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। एक वह जो योगी या अनुशासित है और दूसरा वह जो इच्छाओं से घिरा हुआ होता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल त्याग देता है वह स्थायी शांति प्राप्त करता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्मों के फल की इच्छा से बंधा होता है वह अपनी इच्छाओं के कारण बंधन में पड़ जाता है। इस श्लोक की सीख, जब परिणाम व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है और उसे सफलता या असफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्याते सुखम वसी नव द्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् कार्यम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्म संयम और आत्म ज्ञान के महत्व के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सभी कर्मों को मन से त्याग कर आत्म संयमी हो जाता है, वहाँ शरीर रूपी नगर में निवास करते है, न तो स्वयं कोई कार्य करता है और न दूसरों से कराता है। अर्थात जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि असली कर्ता आत्मा नहीं है तो वह मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति शरीर के कार्यों में उलझता नहीं है और न ही उन पर ध्यान देता है। उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे वह एक साक्षी हो जो केवल देखता है लेकिन उसमें शामिल नहीं होता। न कर्तवरम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फलाय संयोगम स्वभावस्तु परवर्तते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण संसार को कर्म और कर्ता के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि प्रभु न तो किसी को कर्ता बनाता है, न कर्म कराता है और न ही कर्म फल से जोड़ता है। यह सब प्रकृति के गुण के अनुसार होता है। अर्थात परमात्मा संसार के कार्यों के लिए किसी को बाध्य नहीं करता। हर व्यक्ति अपने स्वभाव और प्रकृति के आधार पर कर्म करता है। कर्म और उनके फल का संबंध भी प्रकृति के नियमों पर आधारित है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीवन में भी कर्म और परिणाम होते हैं, वह सब व्यक्ति की प्रकृति और कर्मों का ही परिणाम है, न कि परमात्मा की कोई विशेष योजना। इस श्लोक का संदेश, हम स्वयं ही अपने कर्मों के कारण इस संसार के बंधन में पड़ते हैं और इसी के कारण हमें कर्म फल भी मिलता है।
गीता ज्ञान की खोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।